हाय, मैं सुरेश कुमार। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं यूट्यूब पर बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, कैसा नहीं बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता। कभी मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ, कभी मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, तो कभी मैं न्यूज की वीडियो बनाता हूँ, कभी कोई वीडियो बनाता हूँ, लेकिन किसी में आज तक मुझे सक्सेस नहीं मिली। मैंने बहुत से चैनल भी बनाए रखे हैं, मतलब मेरे चैनल पे कभी कोई वीडियो कोई देखता नहीं है। ऐसा अगर आप लोग भी नए यूट्यूबर होंगे तो ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। मैं बता देना चाहता हूँ, हमें लगता है किसी एक ही कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो चले या ना चले, कोई देखे या ना देखे, लेकिन आपको एक ही कंटेंट पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है कि कभी ना कभी उस वीडियो को कोई ना कोई तो जरूर देखेगा। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हो सकता है शायद उन लोगों ने ऐसे ही शुरुआत की होगी हम लोगों के जैसे ही, कि यूट्यूब पर फेमस होने के लिए आए तो होंगे, हर प्रकार की वीडियो बनाया होगा उन लोगों ने, हर प्रकार का वीडियो बनाते बनाते थक गए होंगे, फिर भी उनके दिमाग में एक थॉट, मतलब एक सोचा होगा उन लोगों ने कि मैं कैसा वीडियो बनाऊं और लोगों को पसंद आए। तो उन्होंने कुछ देखा होगा कि कौन सा मेरा वीडियो ज़्यादा चल रहा है और मैं किस काबिल हूँ, किस तरह का वीडियो बना सकता हूँ। तो उन लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा और अपनी वीडियो को रिवाइव करके देखा होगा, अपने यूट्यूब चैनल को, अपनी वीडियो को खुद देखा होगा, तब जाके आज उन लोगों ने किसी एक कंटेंट पे काम किया और आज सक्सेस पाया है। यूट्यूब पर हम लोग सोचते हैं रातों रात मेरे वीडियो वायरल हो जाए, इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैंने तो गूगल एडसेंस पर भी, हम उस पर भी कुछ पैसा लगाए थे और अपने वीडियो वायरल करने के लिए, कुछ नहीं होता है। जब तक आपके कंटेंट सही लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आपकी चॉइस लोगों को अच्छा नहीं लगेगी, तो आपके कंटेंट सही नहीं होंगे और आप कोई भी अच्छा काम कर नहीं पाओगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मेरी राय है कि आप किसी एक कंटेंट पे काम करें, एक कंटेंट पे मतलब काम करें। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो हर एक कंटेंट को पहले ट्राई करें, जो आपको अच्छा लगता है आप वीडियो बना के डालें, कोई देखे या ना देखे उससे कोई मतलब नहीं है आपको। जैसे कि आप महीने के रिचार्ज मोबाइल में कराते हैं, डाटा मिलता है, उसमें से 100 MB 200 MB का डाटा आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाकर डालें, चाहे वो वीडियो कोई देखे या ना देखे, लेकिन आप एक कंटेंट, कोई भी कंटेंट पहले बना के डालें। आपको इससे ये होगा कि आप कैमरे के सामने किस तरह का प्रेजेंटेशन करते हैं। हम भी अभी यही ट्राई करते हैं और यही सीख रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वीडियो ज़रूर हम लोग की वायरल होगी। अभी पीछे का मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, इस पर मत जाइए, मैं इस समय कहीं पे बैठा हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ दूसरे चैनल पे डालता हूँ, वो मेरा आप इसलिए मतलब अच्छा बैकग्राउंड है, इसलिए इस पे मत जाइए आप, ये मेरा नया चैनल है। अगर हो सके तो आप सब्सक्राइब करें इसे और घंटे का बटन दबाएं, और नए यूट्यूबरों के लिए ये बहुत अच्छा चैनल होगा और हम मिल के कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और हमको जहाँ तक हो सकता है आप लोगों का हेल्प करेंगे। और धन्यवाद, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन करता हूँ।